देखिए, हमारा जो शास्त्र है वो हमें आदेश करता है कि आपको किस प्रकार से कौन से कार्य को करना चाहिए। उसी में एक वास्तु शास्त्र भी है। बात अलग है, वास्तु शास्त्र को लेकर आजकल कुछ भ्रांतियां ज्यादा व्याप्त हैं, और उसकी सही और सटीक जानकारी थोड़ा सा अर्जित करना, उसको समझना थोड़ा सा कठिन भी है। देखिए, हर दिशाओं का, ये दिशाओं का विज्ञान है, ये दिशाओं का विज्ञान है। और दिशाओं को अगर हमने समझ लिया, दिशाओं के स्वामी को हमने समझ लिया, तो हमने वास्तु को समझ लिया। इसमें कोई बड़ा काम नहीं है, और ये भी नहीं है कि इसको आप नहीं समझ सकते हैं या आप इसको लागू नहीं कर सकते हैं या उसके अनुसार आप नहीं चल सकते। सब पॉसिबल है, बस हमें सिर्फ दिशाओं का ज्ञान और उनके स्वामी का ज्ञान अगर है तो काफी हद तक हम वास्तु की जानकारी रखते हैं। ये इसमें मेन चीज है। जब भी हम घर बनाते हैं, अगर दक्षिण दिशा को, मैं आज दक्षिण दिशा पर चर्चा करूंगा, अगर दक्षिण दिशा के अंदर यह स्थिति है जिन चीजों पर मैं आज चर्चा करूंगा, अगर दक्षिण में आपकी वो चीजें पड़ती हैं, आपने दक्षिण में उन चीजों को बना रखा है, तो प्लीज आप वीडियो को देखें, समझें, सुने। और अगर वहां पर इस तरह की कोई भी वहां पर वातावरण, कोई भी वस्तु, वहां पर कोई भी आपने प्रकार से वहां पर चीजें बनाई हुई हैं, तो वहां से उसको हटाई। कौन सी जगह? क्योंकि तस्मात शास्त्रम प्रमाणस्ति कार्यम कार्या व्यवस्थितो, ये निश्चित है कि कौन सी चीज किस चीज के लिए बनी हुई है, कौन सी दिशा किसके लिए बनी हुई है, कौन सा कार्य कब करना है, ये तस्मात शास्त्रम प्रमाणस्ति। इसमें मेरा मत नहीं चलने वाला है, इसमें आपका मत नहीं चलने वाला है, या व्यक्तिगत रूप से किसी भी व्यक्ति का जो मंतव्य है वो यहां पर नहीं चलेगा। बात चलेगी बात की, बात होगी शास्त्र की, बात होगी पॉइंट की। हम पॉइंट पर जाएंगे और दक्षिण दिशा से संबंधित जो चीजें हैं उस पर हम विचार करेंगे। सबसे पहले ये समझ लें, हमारा जो शरीर है ना, ये पांच भौतिक है। चिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीर। इस शरीर के अंदर क्षिति जल पावक गगन समीरा, यानी पृथ्वी तत्व भी इसमें है तो अग्नि तत्व भी इसमें। और जिस दिशा की हम बात आज करने वाले हैं, दक्षिण की, वह अग्नि तत्व के पास है। अब कुछ लोग तो, वैसे मैंने कमेंट बॉक्स बंद ही कर दिया ताकि आप मुझे ना बताएं कि मुझे आपको क्या बताना है। कई सारे लोग कहते हैं आप भूमिका ज्यादा बताते हैं। भाई, बिना भूमिका के बात आपको समझ कैसे आएगी? मैंने तो बता दिया, मैं तो दो शब्दों में बता दूंगा आपको, लेकिन जब तक उसका लॉजिक मैं आपको नहीं बताऊंगा, तब तक उस बात का कोई दम भी नहीं है। बिना प्रमाण के हवा हवा में तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं, और समस्या यही कि लोगों को वही बात पसंद आती है, लेकिन किसको क्या बात पसंद आए वो मुझे मतलब मैटर नहीं करता। मैं आपको कौन सी बात किस रूप में बता रहा हूं वह मैटर करता, क्योंकि मैं जो भी जानकारी अध्यात्म ज्योतिष पर देने का प्रयास करता हूं वो पूर्ण रूप से प्रमाणिक और वैधानिक जानकारी ही आपको देने का प्रयास करता हूं। तो जो अग्नि तत्व की हम बात कर रहे हैं, दक्षिण दिशा की हम बात कर रहे हैं, और दक्षिण दिशा के अंदर आपने हैंडपंप लगाया हुआ है। अब बहुत सावधानी से यहां पर समझने की बात है। कई लोग सोचेंगे हमारा तो हैंडपंप नहीं, हमारा तो पानी चलता हुआ पानी आता है। विषय वो नहीं है, विषय ये है कि अग्नि के क्षेत्र में, अग्नि के अधिकार क्षेत्र के अंदर क्या आपने पानी तो नहीं लगा रखा? क्योंकि अगर आपने अग्नि के अंदर पानी डालने का प्रयास किया तो वो अग्नि का जो है शमन कर देगी, उसको खत्म कर देगी, उसको बुझाने का काम करेगी। और ऐसे लोगों को जिनके दक्षिण दिशा के अंदर वाटर टैंक बना हुआ है, सेफ्टी टैंक बना हुआ है, हैंडपंप लगा हुआ है, वहां पर वाटर पार्क है, वहां पे आपने पार्क बनाया हुआ है, घूमने फिरने की जगह है, दक्षिण दिशा को हल्का ना करें। बहुत ध्यान से सुनेंगे आप, क्योंकि यही गंभीर विषय है। वीडियो बीच में स्क्रिप करेंगे तो कुछ नहीं समझ आएगा। दक्षिण की दिशा को हमेशा भारी रखें। अगर खाली आपने छोड़ दिया, पार्क वहां पर बना दिया, हमने बहुत सारे लोगों के बड़े बड़े बंगलों के अंदर देखा कि उनकी दक्षिण दिशा दूषित होने पर उन लोगों की हार्ट की बीमारी लग गई, गंभीर बीमारियों के परिणाम उनको भुगतने पड़ते हैं। इसलिए दक्षिण दिशा को हमेशा भारी रखें, खाली ना छोड़ें उसको, समझ रहे हैं? और उत्तर को
अब क्योंकि मैं बात केवल दक्षिण की आज करूंगा, लेकिन उत्तर को हमेशा हल्का रखें, ये भी दिमाग में बैठा लें, ये साथ साथ आपको चर्चा बता रहा हूं। तो दक्षिण के अंदर आपको क्या नहीं बनाना है, टैंक नहीं बनाना है, पानी चाहे साफ पानी का हो चाहे सेफ्टी टैंक हो, कुछ भी हो, आपको उसमें बनाना ही नहीं है। दक्षिण के अंदर आपको खुला नहीं छोड़ना है, मतलब क्योंकि दक्षिण दिशा से जो है नेगेटिविटी का संचार ज्यादा होता है, इसीलिए हमेशा जो खिड़कियां बनती हैं वो उत्तर में बनानी चाहिए, पूरब में बनाना चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी का संचार घर के अंदर हो, और जब हवा दूषित नहीं रहेगी, शुद्ध हवा का आवागमन होगा घर के अंदर, तो वह आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा, स्वास्थ्य की समस्याएं वहां पर नहीं आएंगी। और अगर जो है गलत दिशा से गलत प्रकार की वायु घर में प्रवेश करी, गलत ऊर्जा का संचार हो रहा है, तो व्यक्ति को दुखी बना देगी, हेल्थ इश्यूज वहां पे प्रकट होंगे, मानसिक रूप से विक्षिप्त होगा व्यक्ति। तो कुल मिलाकर दक्षिण के अंदर जो स्थिति मैंने आपको बताई कि अग्नि की दिशा है, आप इसको समझ गए हैं, यहां पर जो है खाली नहीं छोड़ना है, हल्का नहीं करना है इसको, सॉरी हल्का नहीं करना है, भारी करना है, पार्क यहां पर मत बनाओ, छोड़ दो उसको जगह को, वहां पर कुछ निर्माण कराओ, उसको भारी करने। अच्छा, हम फ्लैट में रहते हैं, कई लोग सोचेंगे नहीं हमारे पास तो बड़ा मकान है ही नहीं, हम तो फ्लैट में रहते हैं कई मंजिलों पर, वहां पर हमारे पास व्यवस्थाएं कम है, हम कैसे करें। तो भी आप प्रयास करें कि दक्षिण दिशा को भारी रखें, रूम के अंदर भी आप बेड लगा दें तो दक्षिण वाले एरिया में लगाएं, उत्तर का कोना आप छोड़ दें, ईशान का कोना हल्का करें। तो ये समझने का और इसको तरीके का जो ये समझने का तरीका और तरीके से फिर आप सामान को वहां पर एडजस्ट करें। दक्षिण के अंदर आप जो है खुली जगह है तो उसको बंद करवा दें, दीवार लगा लें, बाउंड्री बनवा लें, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जाओं का संचार दक्षिण दिशा के अंदर से होता है। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता, समझ रहे हैं, देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता, मंत्रों के दिन देवता है, उससे संबंधित जो मंत्र है उसका जप करें, उससे संबंधित जो दिशाएं उनके स्वामी का पूजन करें, और वास्तु के दोष को जो है आप ठीक करने का प्रयास करें, जो उससे संबंधित समस्याएं उसको आप जो है समाप्त करें, उससे संबंधित जो समस्या वो वहां पर नहीं आनी चाहिए। दक्षिण के अंदर अगर ये चीजें जो मैंने आपको बताई तो आप ये समझ लीजिए हार्ट की प्रॉब्लम वहां पर हो सकती है, दुर्घटनाओं की स्थितियां वहां पर अक्सर बनी रहेंगी, किसी ना किसी प्रकार से चोट चपेट में आना ये वहां पर निश्चित बना रहेगा, और खास बात ऐसे लोगों का पाचन तंत्र खत्म हो जाता है, पाचन तंत्र जो है कमजोर पड़ जाता है, और जो व्यक्ति का पाचन तंत्र कमजोर हो जाएगा, भोजन को पचाने की क्षमता कमजोर हो जाएगी, तो निश्चित रूप से आप समझ लें कि सबसे बड़ी बीमारी की समस्या यहीं से प्रारंभ होती है। तो पाचन तंत्र को कमजोर ना करें, कोई बड़ी नाली वहां से बह रही है, प्रयास करें कि उसका जो है उसके लिए आप उचित एक वो करें, और अक्सर ऐसे मकानों को आप ना खरीदें जहां कोई बड़ी नहर दक्षिण की ओर से बह रही हो, आपके कोई बड़ा नाला बह रहा हो आपके दक्षिण, ऐसे मकान को अवॉइड करना चाहिए, ऐसे प्लॉटों को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये दक्षिण की दिशा से जो इस तरह की जो चीजें हैं वो आपका हित नहीं कर सकते। अनेकों लोगों का सर्वनाश होते हुए देखा गया ऐसी जगहों, तो ये बड़ी गंभीर बातें हैं और गंभीरता से लेने की बातें हैं। अगर आप ऐसे प्लॉट खरीद रहे हैं, ऐसे मकान खरीद रहे हैं, तो बिल्कुल ना खरीदें, जमीन का परीक्षण करें, दिशाओं को देखें और सही रूप में तब जाकर, थोड़ा खर्चा अगर खरीदने से पहले कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है, खरीदने के बाद फिर खर्चों पर खर्चा होता रहेगा, न जाने कहां तक बात पहुंचेगी इसका भी भरोसा नहीं है, और निदान भी हो पाएगा नहीं हो पाएगा इसका भी पता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग मिलते हैं उसके बाद हमें वास्तु विजिट के लिए बुलाते हैं, जाते हैं हम वहां पर देखते हैं स्थिति बड़ी गंभीर है, तो ये चीजें पहले देखें तो ज्यादा अच्छा है। तो कुल मिलाकर दक्षिण दिशा आपकी आबादी की दिशा है या नहीं है, दक्षिण दिशा के लिए आपका क्या रिश्ता है, दक्षिण के लिए आपके मकान का क्या रिश्ता है, आपके हित में है अहित में, इन सब चीजों को आप पहले देखें। दर्शकों आप बने रहे, किसी प्रकार से आप अध्यात्म और ज्योतिष से रिलेटेड जानकारी लेना चाहते हैं, हस्तलिखित जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, जन्म कुंडली का प्रिडिक्शन करवाना चाहते हैं, या घर बैठे आप अपनी कुंडली मिलान या वास्तु से संबंधित समाधान आप चाहते हैं, तो आप लगातार हमारे जो नंबर नीचे फ्लैश हो रहे हैं आप उस पर संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल आप बने रहें और हमें दीजिए इजाजत, धन्यवाद।